अंबाला में आवारा कुत्तों की नसबंदी का काम कछुए की चाल चल रहा है, जिसका कारण स्टाफ व एनेस्थीसिया की कमी बताया जा रहा है। अंबाला में स्ट्रीट डॉग की संख्या 15,000 के करीब है, जबकि 7 माह में अब तक सिर्फ 2,186 कुत्तों की ही नसबंदी हो पाई है। बता दें कि अंबाला में आवारा कुत्ते जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहे हैं, जिसका समाधान करने के लिए नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के लिए मेसर जयंत वेट हाउस को पिछले साल जुलाई में टेंडर अलॉट किया था। एजेंसी को 1 साल में कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण का कार्य पूरा करना था, लेकिन 7 माह में अब तक सिर्फ 2,186 कुत्तों की ही नसबंदी हो पाई, जबकि अंबाला में स्ट्रीट डॉग की संख्या 15,000 के करीब है। एजेंसी ने अंबाला में स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के लिए पशुपालन विभाग के पुराने ऑफिस को ऑपरेशन थिएटर बनाया है। एजेंसी की गाड़ी में कर्मी सुबह डॉग्स को पकड़ने के लिए निकलते हैं और हर रोज 15 से 20 कुत्ते पकड़ लिए जाते हैं। फिर एक दिन बाद उनको बिना खाना दिए आराम में रखने के बाद उनकी नसबंदी की जाती है। नसबंदी व टीकाकरण के बाद कुत्तों को 2 से 3 दिन देखरेख में रखा जाता है, जिसके बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ दिया जाता है जहां से उनको पकड़ा गया था। नसबंदी का काम देख रहे डॉक्टर राकेश बिरजनिया का कहना है कि 7 महीने में अभी तक 2,186 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। कोरोना काल में एनेस्थीसिया व बाकी दवाइयों की कमी व स्टाफ के छुट्टी पर चलने के कारण पिछले दिनों काम काफी प्रभावित रहा। हर रोज 15 से 20 कुत्तों की नसबंदी की जा रही है, उम्मीद है आगे इस संख्या में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। अंबाला से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर राकेश फ्रॉम जयंत वेट हाउस। हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये 13 जुलाई से स्टार्ट है और अब तक 2,186 डॉग की सर्जरी हो चुकी है। हम फर्स्ट डे डॉग कैचिंग करते हैं, उसके बाद उसको रेस्ट देते हैं और नेक्स्ट डे उसकी सर्जरी होती है और फिर एक दिन का गैप रखते हैं, उसमें पूरा ऑब्जर्वेशन होता है डॉग का, किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। उसके बाद में जहाँ से कुत्ते को कैच किया जाता है वहीं वापस रिलीज किया जाता है। हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आती हैं फील्ड के अंदर कि कुत्ते पकड़ने नहीं देते हैं, कुत्ते छुटवा लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ये हमारी पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। इतने दिन में कुत्ते कम होने का कारण है कि लॉकडाउन की वजह से कभी मेडिसिन शॉर्ट हो जाती है तो हमें काम रोकना पड़ता है। कई बार बीच में जो स्टाफ है वो छुट्टी पे चला जाता है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर बढ़िया हमारा है, किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं है। और एक दिन में कितने कुत्तों का जो है सर्जरी कर लेते हैं? हम कम से कम 15-20 कुत्ते की सर्जरी करते हैं। हाँ, तो अभी 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने बीच के अंदर मेरे कोई पर्सनल घर पे प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से भी कुत्ते कम हुए। फिर जैसे दीपावली की छुट्टी है तो 10-15 दिन की दीपावली फिर छुट्टी दे दी गई इस वजह से। फिर ये जैसे हमारे एनेस्थेसिक ड्रग्स हैं ये बहुत ही रेयर चांस में अवेलेबल रहती हैं तो इनका स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो हमें काम रोकना पड़ता है बीच में, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो। 5 महीने बचे, क्या उम्मीद है, कितना टारगेट हुआ? हम 4,000 से ऊपर का टारगेट है हमारा। टोटल कितने कुत्ते बताए जा रहे हैं? देखो जैसे बाहर के गांवों को मिला के वो तो 15,000 के करीब हैं, लेकिन जैसे सिटी के अंदर है, सिटी के अंदर 5 से 6 हज़ार कुत्ते हैं। हाँ, और जैसे भी कोई एडवांस प्रेगनेंट फीमेल आती है तो उसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ खिलाया जाता है? और फिर नसबंदी के बाद में हम इनको एग प्लस राइस ये पका के ही देते हैं इनको। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.